गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री कल की भगवान की। आप सभी का हमारे चैनल नित्या मॉम एंड लव में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल नित्या मॉम एंड लव। पहली बार माँ बनना बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही स्पेशल फीलिंग होती है। बहुत सारे चेंजेस आते हैं इस समय में, बहुत सारी एक्साइटमेंट होती है, बहुत सी चीज़ों को हमें अपनी डाइट में शामिल करना होता है, वहीं बहुत सी चीज़ों को हमें अवॉइड करना होता है। आज हम इस वीडियो में इन्हीं सभी टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। क्या क्या सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं अपनी बॉडी में जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं, या फिर क्या क्या चीज़ों को आपको अपनी डाइट में शामिल करना है, क्या क्या चीज़ें आपको खाने में अवॉइड करनी है, कौन से काम आपको करने चाहिए और कौन से काम आपको नहीं करने चाहिए, आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कब जाकर मिलना चाहिए, अगर आपका पहले कोई मिसकैरेज हुआ है तो अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब लेकर हम इस वीडियो में आए हैं। अगर आप भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। चलिए आपका ज्यादा समय ना खराब करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम यही जान लेते हैं कि पहला ट्राइमेस्टर यानी पहली तिमाही कौन सा समय है आपकी प्रेगनेंसी का। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रेगनेंसी को तीन तिमाही में यानी तीन ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया है। पहला ट्राइमेस्टर यानी कि स्टार्टिंग के तीन महीने, जब आपके लास्ट पीरियड्स आए थे उसके फर्स्ट डे से लेके 13 वीक्स तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। उसके बाद आपका 3 महीने का सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है और उसी तरह से उसके बाद के 3 महीने आपके थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। तो आज हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में बात करने वाले हैं। अब हम जान लेते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स आपको अपनी बॉडी में दिखाई देंगे या क्या क्या चेंजेस आपके बॉडी में उस टाइम पर आते हैं। सबसे पहला सिम्टम तो यही है कि आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं। जब आपके लास्ट पीरियड्स आए थे उस डेट तक आपके पीरियड्स इस बार नहीं आते हैं। इसके ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली। वैसे पीरियड्स मिस होने के और भी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे मेजर रीज़न माना जाता है प्रेगनेंसी कंफर्म होने का। दूसरा सिम्टम, आपको मूड स्विंग्स होने लगते हैं। कई बार आपको कोई चीज़ बहुत बुरी लग जाती है, कई बार आपको बिल्कुल किसी से बात करने का मन ही नहीं करता है, आपको अनइजीनेस सा फील होता है, आपको फूड क्रेविंग्स होने लगती है। कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती हैं खाने में और कुछ चीज़ों को तो देखकर ही मन नहीं करता है। सपोज आपको पहले मीठा खाना बहुत पसंद था और अब आपको मीठा खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। किचन में जाने से पहले ही आपको वॉमिट जैसा फील होता है, किसी चीज़ में से स्मेल आने लगती है। कई महिलाओं को रोटी में से स्मेल आने लगती है या दूध में से स्मेल आती है या घी में से स्मेल आने लगती है, तो इस तरह की परेशानियां उनको आने लगती हैं। इस समय में आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको चक्कर आने जैसा भी फील हो सकता है, अनइजीनेस सा फील होता है, कब्ज की परेशानी होती है या गैस होने लगती है। कई लोगों को सुबह उठते ही नौशा और वॉमिटिंग जैसा होता है, किसी को वॉमिट हो जाती है और किसी को सिर्फ ऐसा फील होता है कि जैसे वॉमिट होगी पर होती नहीं है। तो इस तरह की चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं। और ये सभी, ऐसा नहीं है कि सारे सिम्टम्स सभी महिलाओं में दिखाई देते हैं, किसी में कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो किसी में कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। कुछ महिलाओं का कहना होता है कि मुझे तो बहुत वॉमिट आती है तो कहीं मेरे बेबी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसी के उल्टा किसी को बिल्कुल भी वॉमिट नहीं आती तो उनको ऐसा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ भी या नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी महिलाओं में अलग सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इन्हीं सभी चेंजेस का सामना आपको उस समय में करना पड़ता है। अगर आपको पीरियड्स मिस होने से पहले इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं अपनी बॉडी में, या फिर पीरियड्स भी मिस हो गए हैं और उसके बाद भी आपको इस तरह के कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट घर पर किट लाकर कर सकते हैं। मार्केट में आसानी से आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिल जाती है, जिससे कि आप यूरिन टेस्ट घर पर कर सकते हैं, या फिर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर भी अपना टेस्ट करवा सकते हैं। प्रेगनेंसी कंफर्म करने के कई तरीके हैं, जिसमें से एक मैंने आपको बताया, आप बाजार से प्रेगनेंसी टेस्ट किट लाकर घर पर टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाकर मिल सकते हैं, जो कि आपका सोनोग्राफी करके या
TVS यानी ट्रांस वेजाइनल स्कैन करके भी कंफर्म कर सकते हैं, आपका यूरिन टेस्ट करके भी कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा एक बेटा HCG टेस्ट होता है, उससे भी प्रेगनेंसी कंफर्म की जा सकती है। तो ये सभी तरीके हैं जिससे कि आप प्रेगनेंसी कंफर्म कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको गायनेकोलॉजिस्ट से कब मिलना चाहिए। तो देखिए, आपको जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, जैसे आप घर में आपने टेस्ट किया और रिजल्ट पॉजिटिव आता है, आपको तुरंत ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है। कई महिलाएं ऐसा सोचती हैं कि अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और 7-8 दिन वेट कर लेते हैं, या कई 3 महीने तक सोचते हैं कि 3 महीने तक क्या करना है डॉक्टर के पास जाके, 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद डॉक्टर को दिखाएंगे। तो ये बिल्कुल ही गलत है। आपको जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, आप तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट सोनोग्राफी के थ्रू आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म करते हैं। वो चेक करते हैं कि जो आपकी प्रेगनेंसी है वो एक्चुअल में यूट्रस में ही ठहरी है, कहीं वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें गायनेकोलॉजिस्ट ही बता सकती हैं। अगर आपको कोई ऐसी हिस्ट्री रही है जिसमें आपका कभी कोई मिसकैरेज हुआ है, या आपको कभी कोई डिसीज़ रही है, या फिर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है किसी भी डिसीज से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से शेयर करनी चाहिए। इसीलिए आपको तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मिलना चाहिए, ताकि गायनेकोलॉजिस्ट उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाए। फर्स्ट विजिट में आपको डॉक्टर से क्या क्या चीज़ें शेयर करनी है, क्या क्या क्वेश्चन आपको उनसे पूछने चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको फर्स्ट विजिट में अपने डॉक्टर से अपनी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री ज़रूर शेयर करनी है। अगर आपको कभी कोई ऐसी डिसीज़ रही है, BP, डायबिटीज़, TV, या कोई भी ऐसी जेनेटिक डिसीज़ कोई रही है जो आपके फैमिली में काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, आपको उसका नाम नहीं पता है, तो वो भी आप अपने डॉक्टर से शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके जो डॉक्टर है वो उसी के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके। अगर आपका पहले कभी कोई मिसकैरेज हुआ है तो वो भी आप अपने डॉक्टर को बताइए, क्योंकि मिसकैरेज जो लास्ट टाइम हुआ होगा उसके वो भी कई तरीके से हो सकता है। जैसे कि अगर पहले आपका मिसकैरेज हार्ट बीट ना आने की वजह से हुआ है, तो उस केस में डॉक्टर्स आपके अलग ब्लड टेस्ट करेंगे, उसमें आपके हस्बैंड के भी कुछ टेस्ट होते हैं, आपके कुछ टेस्ट होते हैं, क्रोमोसोम का एबनॉर्मल होना, या फिर आपके जो एग थे वो अच्छे से बने नहीं, कुछ भी रीज़न जो भी रहे होंगे, तो उसी के हिसाब से डॉक्टर टेस्ट करते हैं। अगर आपका प्रीवियस जो मिसकैरेज था उसमें आपको नॉर्मली ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई या पीरियड स्टार्ट हो गए, तो उस केस में आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है। आपको बाहरी काम नहीं करना है, ट्रैवल नहीं करना है, या रिलेशन नहीं रखना है, इस तरह की चीज़ें आपके डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं। तो आपको अपने प्रीवियस मिसकैरेज की हिस्ट्री भी अपने डॉक्टर को बतानी है, ज़रूर बतानी है। कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान ही आपको BP, थायराइड या डायबिटीज़ जैसी बीमारियाँ आ जाती हैं, लेकिन उसका ट्रीटमेंट उसी समय में डॉक्टर्स कर देते हैं, और जैसे ही प्रेगनेंसी का जो ये टाइम है, ये टाइम पीरियड ख़त्म होता है, उसी के साथ साथ ये डिसीज़ भी वापस चली जाती है। तो आपको इसके लिए कोई भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका BP प्रेगनेंसी की वजह से बढ़ जाता है, तो प्रेगनेंसी के जैसे ही प्रेगनेंसी का समय कंप्लीट होगा, तो उसके साथ ही वो बीमारी भी चली जाएगी। डाइट में आपको जो अच्छा लगे वो आप खा सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी है, जैसे कि आपको पाइनएप्पल और पपाया एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। आप दोपहर के टाइम पर छाछ और दही ले सकते हैं, इससे आपको कब्ज या गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। पानी आपको दिन में 12 से 13 ग्लास ज़रूर पीना है। पॉसिबल हो, अगर आपको दूध में से स्मेल नहीं आ रही है, आप दूध पी पा रहे हैं, तो दिन में 2 टाइम आप अपना दूध फिक्स कर लीजिए। खाने में आप ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स जो सीज़न की हो उनको ऐड कीजिए। फ्रूट्स, सीज़न के फ्रूट्स आप खाइए, अपने डाइट में ऐड कीजिए। ये सभी चीज़ें आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। पहले तिमाही में ज़्यादातर महिलाओं का वज़न नहीं बढ़ता है, क्योंकि कई महिलाओं को तो इस टाइम पर वॉमिटिंग की प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से उनका वेट गेन नहीं हो पाता है। और दूसरा रीज़न ये भी होता है, क्योंकि पहली तिमाही में जो आपकी बेबी की ग्रोथ हुई है उसका वेट बहुत ही कम होता है, वो काफ़ी छोटा होता है, तो उस टाइम पे वेट कम बढ़ता है। तो आप इसकी चिंता मत कीजिए कि आप प्रेग्नेंट हैं, 3 महीने हो गए हैं और आपका वज़न बिल्कुल नहीं बढ़ा, तो वो आगे आने वाले समय में ज़रूर बढ़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि सोनोग्राफी आपको कितनी बार करानी है, और करानी है तो सेफ़ है या नहीं। तो देखिए, सोनोग्राफी कराना बिल्कुल सेफ़ है,
लेकिन आपको एक्सरे का ध्यान रखना है, आपको एक्सरे नहीं करवाना है इस समय में, और अगर आपके सामने किसी का एक्सरे हो रहा है तो आपको उसके आसपास भी नहीं रहना है। सोनोग्राफी आप करवा सकते हैं। सोनोग्राफी आपकी जब प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो उस टाइम पर प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए डॉक्टर्स फर्स्ट टाइम सोनोग्राफी करते हैं। उसके बाद आपका 1.5 से 2 महीने के बीच में फिर से एक सोनोग्राफी होती है जिसमें डॉक्टर्स हार्ट बीट चेक करते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट आई है या नहीं आई है। फिर जब 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद एक बार और डॉक्टर सोनोग्राफी करते हैं जिसमें कि वो चेक करते हैं कि किसी भी तरह की एबनॉर्मेलिटी नहीं है और बच्चे के ऑर्गन्स पूरी तरह से बने हैं या नहीं बने हैं इनिशियल स्टेज पर। अब आते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है इस टाइम पर, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये पहली तिमाही आपकी पूरी प्रेगनेंसी का बेस है। इस टाइम पर आपको सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। आपको इस समय में ट्रैवलिंग से बचना है, पॉसिबल हो तो बहुत ज़्यादा अर्जेंसी हो तो आप 4-व्हीलर यूज़ कीजिए। 2-व्हीलर अगर आपको यूज़ करना पड़ता है, वर्किंग है आपको 2-व्हीलर यूज़ करना पड़ता है, तो आप ध्यान रखिए आप गड्ढे वाले रास्ते से बिल्कुल ना जाइए, टूटी फूटी रोडों वहां जाने से बचें। भारी वजन आपको नहीं उठाना है। अगर आप अपने घर में बात कीजिए, अगर आप सब्जियां वगैरह लाना आप करते हैं तो वो काम किसी और को सौंप दीजिए। अगर आपका पहले कोई बच्चा है तो उसको फिलहाल के लिए कोई और संभाल पाए तो आप उसको गोद में उठाने से बचें। आपको सीढ़ियाँ चढ़ने से इस टाइम पर बचना चाहिए। कोई भी ऐसा काम जिससे कि आपके स्टमक पर प्रेशर पड़ता है, झुकना का काम आपको नहीं करना है, तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इस टाइम पर। अगर आपके ये 3 महीने सही से निकल जाते हैं तो आगे मिसकैरेज का रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये मेरी वीडियो यूज़फुल लगी होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरी नेक्स्ट किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कल्कि भगवान की।